भारत को हमेशा से ही ऋषि मुनियों की जन्मस्थली और साधु ज्ञानियों की भूमि कहा जाता रहा है, जो सामान्य जन को अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं, अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता दिखाते हैं और उन्हें ज्ञान के अलौकिक तेज से भर देते हैं। उन्हीं को महान संत कहा जाता है। और कलयुग के एक ऐसे ही संत थे बाबा नीम करोली महाराज। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स भी इनसे अपने जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोली ने कई लोगों के जीवन को सही राह दिखाई और उन्हें अपनी मंजिल को पाने का हौसला दिया। देवभूमि उत्तराखंड की अलौकिक वादियों में बाबा नीम करोली को समर्पित एक तीर्थ स्थल भी बना हुआ है, जहां पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। आइए आपको बताते हैं बाबा नीम करोली के जीवन और उनके इस धाम से जुड़े कुछ चमत्कारों के बारे में। कहा जाता है कि एक बार बाबा के इस धाम में भक्तों की भारी भीड़ लग गई थी, जिसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं हटा पाए, लेकिन बाबा ने चंद मिनटों में ही इस समस्या का निदान कर दिया। बाबा के धाम में आयोजित भंडारे में एक बार घी की कमी पड़ गई थी और बाबा के आदेश पर नीचे बहती नदी से पानी भरवाया गया, लेकिन प्रसाद बनाते समय वो पानी ही घी में परिवर्तित हो गया। बाबा नीम करोली के इस धाम में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस बात को साबित करते हैं। कहते हैं कि बाबा में देवीय ऊर्जा थी, वो अचानक ही भक्तों के बीच प्रकट होते थे और अचानक ही लुप्त हो जाते थे। चाहे वाहन से पीछा करो या पैदल, वो अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। किसी भी प्रकार के बनावटीपन से परे बाबा नीम करोली भक्तों और दीन दुखियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। भक्तों की माने तो बाबा ने एक बार एक भक्त को तपती धूप में बादल का छाता बनाकर उसे उसके स्थान पर पहुँचाया था। बाबा नीम करोली ने अपने किसी भक्त के परिजन की मृत्यु की जानकारी उसे बातों बातों में पहले ही दे दी थी। एक बार गंगा स्नान के लिए बाबा नीम करोली का मन ट्रेन से जाने का हुआ और उनके स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी खुद ब खुद रुक गई और उनके बैठते ही फिर चल भी पड़ी। इसका रहस्य चालक भी नहीं समझ पाया। बाबा नीम करोली ने एक जगह पर अपने भक्तों का जल संकट दूर करने के लिए कुआं खुदवाने का आदेश दिया। कुएं का जल खारा निकलने पर उन्होंने उसमें थोड़ी चीनी मिलाने को कहा और बताया कि इसके बाद जल हमेशा के लिए मीठा हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। उस कुएं का जल आज भी मीठा है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को भी उन्हीं के दर्शन करने को कहा करते थे। खुद को तो वह बस उनका भक्त बताते थे। ये थी बाबा नीम करोली से जुड़ी कुछ जानकारियाँ और उनके वो चमत्कार जो उनके भक्तों ने अपनी आंखों से देखे हैं और उनके जीवन पर आधारित हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।